सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है डेविड लाइफ। और गाइस, अभी सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो यार, पहले तो ये पूछूंगा कि आप लोग क्या कर रहे थे रात के टाइम पे। बाहर की जो नॉइज आ रही है ना, इसको इग्नोर मारना, क्योंकि मैं रहता ही हूँ हस्ती की बस्ती में, तो ऐसा आवाज आता रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि रात को किस किस ने कुछ चीजें फील की इन द सेंस की अर्थक्वेक। भाई बड़ा ही तगड़ा अर्थक्वेक आया था। मैं शूट पे था तो सेट पे खड़ा था मैं, और सिंपल मैं खड़ा था, तो मैं ऐसे अपने पे हिलने लगा ऐसे करके। मैं ऐसे हिलने लगा क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे को ना चक्कर आ रहे हैं, या फिर मेरी बॉडी में शायद मैंने ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर ली, उसकी वजह से मेरी बॉडी शायद थक गई है, इसलिए मेरे को चक्कर आ रहे हैं। बट जब मैंने देखा कि दरवाज़ा हिल रहा है, फैन अपने आप हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है, सेट पे से सामान खड़े थे, ट्राइपॉड वो सब गिर रहे हैं अपने आप धड़ पर धड़, तब पता चलेगा कि भाई अर्थक्वेक आया है। और कसम से गाइस, मैंने खड़े खड़े डिसाइड कर लिया था कि अब तो ये इस बिल्डिंग में दबके मर जाएंगे, ऐसा फील हो रहा था। क्योंकि वो रूम के अंदर शूट हो रहा था, तो रूम पे शूट कर रहे थे हम लोग, कुछ वीडियोज थी जो शूट कर रहे थे। काम था हमारा, काम ही है शूट करना और डालना, अपलोड करना, लोगों के लिए शूट करवाना, ये सारी चीज़ चलते रहते। वेडिंग पे जाके वेडिंग कोरियोग्राफी करना, बैकग्राउंड डांसिंग करना, ये सारी चीज़ें, यही हमारा काम है। तो यार, और ये नेपाल में भूकंप आया था 6.3 का, और सब जगह महसूस हुआ। आप लोगों को महसूस हुआ होगा, आप लोगों को क्या बता रहा हूँ मैं। और ये जो घर में देख रहे हो, ये जो नीचे खाना बना रही है, ये जो बना रही है ये, और घर में जितने ही बंदे थे सब घोड़े बेच के सो रहे थे। और रात को मैंने 1:30 बजे फ़ोन करके बताया पापा को कि भूकंप आया है, तो पापा कहते हैं चल आ गया है, सोने दे अब। मुझे नहीं पता, पापा को ने फोन करके बताया कि पापा भूकंप आया है, देख लो, ध्यान रखो। क्या है, ठीक है, आया होगा, चल ठीक है, सोने दे अब। मैंने यार बड़े लापरवाह आदमी है, अरे कुछ नहीं हो बोला, अरे ठीक है। ये तुझे भी नहीं पता चला होगा, ये तो बड़ा आदमी है, इन बड़े आदमी को पता नहीं चलता छोटी छोटी चीजें आती है। तो ये आप लोग ध्यान रखो, पता चला किसी बिल्डिंग के नीचे दबने से अच्छा है कि गाड़ी के नीचे आ जाओ, ज्यादा सही रहता है, क्योंकि दबके मरने से अच्छा उड़ के मरने में। तो ध्यान रखे अपना, सेफ रहे, मस्त रहे, सबका ध्यान रखे। और ये पता नहीं क्या बना रही है, क्या बना रही है तू खाना में, क्या बना रही है, क्या मछली, वो क्या बैगन आलू, वो क्या कढ़ाई, इसमें मैं जीरा फ्राई करूंगी। और तू कौन है? मैं इंसान, मेरी बहन और इंसान है एक ये। अरे एक जंगली देखे ऊपर जाके चिल्ला रही है सुबह सुबह, तेरी बेटी है पता है मुझे, तभी तो बोल रही हूँ। तो ध्यान रखे, सतर्क रहे, सावधान रहे। तो खैर, हाथ पर धो चुका हूँ, मुँह धो के फ्रेश रह चुका हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आया हूँ यहाँ पे शूट ख़त्म करके अपना। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं एक बार भूषण से पूछता हूँ, मिस्टर एंड मिस्ट्री से, कि उनको ये चीज़ फील हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे पास फ़ोन है पापा का, मैं कॉल लगाने वाला हूँ इससे। मैं कॉल लगा चुका हूँ इन लोगों को, और ये पता नहीं गाँव में कैसे रह रहे हैं यार। रह रहे क्या मतलब, गाँव में अपना यार तो रहेंगे मज़े से ना। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग भाई। अरे नया नंबर दिया नहीं। अरे पापा का नंबर है। तूने कुछ सुना क्या? पहले ये पता कब आ रहा है तू? कौन मैं? हाँ मैं तो आऊंगा, अभी थोड़ी पापा की तबीयत खराब है ना। अच्छा, तो डॉक्टर सब कुछ दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से दवाई चल रही है पापा की। ओह, तूने और सब बढ़िया वहाँ पे घर पे? यहाँ तक सब बढ़िया है। अच्छा, मैं तेरे से ये पूछ रहा था, तूने देखा न्यूज़ भूकंप आया था कल रात को, कितना तगड़ा वाला? कहाँ पे आया था? यहाँ तक आया। बिहार में नहीं आया? नहीं तो दिल्ली में आया था भाई, बहुत तगड़ा। पता है रात को मैं शूट कर रहा था वीडियो, मतलब मैं शूट पे था अपने किसी, तो भाई खड़े खड़े मेरे को चक्कर आने लगे, खड़े खड़े में हिल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, देख रहा हूँ पंखा हिल रहा है, दरवाज़ा हिल रहा है भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिरी दिन है मेरा कल। अभी रात के 2 बजे सही में भाई, मेरे पता है मेरे को लगा कि ना मैं ज़्यादा एक्टिविटी कर चुका हूँ, ज़्यादा वर्कआउट या फिर ज़्यादा मैंने एक्टिविटी कर ली है, तो इसलिए मेरे साथ कमजोरी से मेरा सिर हिल रहा है। पर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि भाई पंखा हिल रहा है, दरवाज़ा हिल रहा है, बिल्डिंग हिल रही है पूरी। कितने
6.3 का था, 6.3 या 6.8 का कुछ, 6.3 था फिर तो कम ही है। नेपाल में तो 8 का आया था पहले तो अब ये नेपाल से तो आया जो हुआ है, जो ये वाला भूकंप आया है जो नेपाल से आया। हाँ वहाँ पे तो 3 लोगों की मौत भी हो गई है, मैंने अभी न्यूज़ देखा। आ भाई जल्दी आ जा, यहाँ तो पता ही नहीं चला। बिहार में शायद नहीं आया होगा। अरे नहीं, सबसे पहले मैंने अपने घर पे फोन लगा दिया, पता है बिल्डिंग कैसी है मेरी, इसलिए पहले घर पे फोन लगा पूछा सब ठीक तो है, सब ठीक लगा ना, सब बढ़िया। चल ठीक है, ध्यान रख अपना, जल्दी आ भाई, मिस कर रहा हूँ तुम लोगों को बहुत ज्यादा। जिम स्टार्ट करेंगे साथ? हाँ मैं तो जिम जा ही रहा हूँ। कैसे जा रहा है, रिक्शा से? नहीं पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ भाई, मस्त पैदल आता हूँ, मस्त पैदल आता हूँ। अरे तो भाई तूने वीडियो डाल दी थी ना, पतला क्यों हो गया तू? कौन मैं? अबे बीच में तबीयत खराब हो गई थी। अरे बीच में तबीयत खराब नहीं हुई थी मेरी, जब जब तुम्हारा टिकट के लिए बोला था तूने, मैं करवा नहीं पाया था, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी मेरी उस टाइम, उस टाइम मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी। बना ले पहले की तरह, थोड़ा ध्यान दे। अरे जब तक तू आएगा तब तक मैं हो जाऊंगा रिकवर, देख लियो आके सामने से। ठीक है चल, ठीक है ध्यान रख, जल्दी आ। ठीक है चल। तो गाइस बात की मैंने मिस्टर एंड मिस्ट्री से, मतलब भूषण से बात की, रवि से, कनिका तो शायद वो किचन में बिजी होगी मुझे पता है, तो बात तो शायद मुश्किल है उससे करना, कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली उसको, बात कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है लाइफ में, आपके साथ भी होती रहती होंगी, क्योंकि हम सब लोग एक ही जगह तो रहते हैं पृथ्वी पर, अर्थ। जब कोई कहता है तो सबको पता चलता है, बट बिहार में नहीं आया था, अदरवाइज कुछ कुछ जगह पे आया था, जबकि नेपाल से कितना टच में है एकदम बिहार, तो वहाँ पे नहीं हुआ, दिल्ली में आ गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे, शायद होता होगा, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाओ, मेरे पास कुछ टॉपिक भी नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए, तो आजकल मैं ऐसे ही ब्लॉग बना के डाल दे रहा हूँ। बट आपके पास कोई टॉपिक हो, फिर कोई चीज़ हो, बता सकते हो मेरे को, तो मेरी हेल्प ज़रूर करना। तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।